मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। सभी शासकीय इमारतों की हुई आकर्षक साज सज्जा। प्रदेश के स्थापना दिवस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष पहुंचकर दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। अनुच्छेद 370 पर लिए गए सरकार के फैसले को किया सरदार पटेल को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सिविल सेवा फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के आरंभ सम्मेलन को किया संबोधित। सेवा को सिविल सेवा का परम धर्म मानते हुए कार्य करने का किया प्रशिक्षु अधिकारियों से आह्वान। प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। एकता दौड़ में कई मंत्री जनप्रतिनिधि अधिकारी और आम लोगों ने शिरकत कर लिया। राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण रखने का संदेश। कटनी स्थित आयोध्या निर्माणी में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर किया गया नमन। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लोक संपर्क ब्यूरो के बैनर तले निकाली गई एकता दौड़। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से कराया गया परिचित। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। दोनों महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का किया गया स्मरण। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दिलवाई एकता की शपथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के एकीकरण में किए योगदान को किया याद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से शुरू हुई गांधी संकल्प यात्रा का प्रदेश भर में हुआ समापन। दमोह में गांधी संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। बुंदेलखंड अंचल के मुरैना जिले में आयोजित गांधी संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। जिले के पिपर सेवा ग्राम को सांसद आदर्श ग्राम के तहत गोद लेने का किया ऐलान। राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में की जबलपुर स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की समीक्षा। मेडिकल कॉलेज में गुणवत्ता के उच्च मापदंड स्थापित करने के दिए निर्देश। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड एनसीएल ने पत्रकार वार्ता में पेश किया कंपनी का वार्षिक लेखा जोखा। एनसीएल के सीएमडी पी के सिन्हा ने गत वर्ष की उपलब्धियों को किया प्रस्तुत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह में बुंदेली कलाकारों से की भेंट। कलाकारों की मांग पर पारंपरिक मौनिया नृत्य में भी हुए शामिल। बुंदेली भाषा और कला के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी। दीपावली के बाद प्रदेश के अनेक अंचलों में पारंपरिक लोक मेलों का किया गया है आयोजन। नरसिंहपुर जिले में बढ़ई मेले की देखी जा रही है धूम। यदुवंशी समाज के लोगों द्वारा पेश किया जा रहा अहिरी नृत्य बना खासे आकर्षण का केंद्र। राजधानी स्थित भारत भवन में सुप्रसिद्ध गजल गायक तलत अजीज की गजल संध्या का हुआ आयोजन। शहर के संगीत प्रेमी श्रोताओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उठाया गजलों का लुत्फ।